Hello everyone, good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about the most important current affairs of the day. The first article that we're going to talk about is social media and its relevance towards democracy. अब देखिए, इस टॉपिक को आप दो तरह से देख सकते हैं. वैसे तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी सेगमेंट में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बट साथ के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर साइंस एंड टेक में इसका रेलेवेंस रहेगा. देन इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी. अब ये जो आपका पूरा इशू है, मतलब ये जो पूरी आपकी अलायंस फॉर्म हुई है, ये COVID-19 के बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं फॉर्म हुई है. यू माइट बी अवेयर अबाउट पोस्ट कोविड जो हंगर एंड पॉवर्टी के इंसिडेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया है. एंड इसका रेलेवेंस आपके प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज्यादा है, बट मेंस पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इसको एज अ पॉइंटर के तौर पे आप यूज कर पाएंगे, जहां पर आप बताएंगे कि वर्ल्ड में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर. देन ये जो आर्टिकल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आई विल से कि मोर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स रिलेटेड ज्यादा रहेगा. देन ये आर्टिकल, चौथा जो आर्टिकल है, आज हम बात करेंगे रणथंभौर टाइगर रिजर्व की. इसे आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है. वैसे तो प्रीलिम्स में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक मेजर इशू डिस्कस किया गया है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. ऑल्दो यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस तरह के इश्यूज के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो यहां पर पूरा इशू मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों यहां पर हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को वी स्टार्ट डिस्कसिंग. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि देखो, अभी रिसेंटली द गार्डियन न्यूज़पेपर ने क्या किया, ट्विटर को छोड़ दिया. अब इन्होंने ये जो एक्स या ट्विटर आप कह लीजिए, इसको छोड़ा. इन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है. टॉक्सिक इन द सेंस कि भाई यहां पर लोग हेट स्पीच का यूज करते हैं, लाइक आप ये कह सकते हो मिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं. तो वी डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. हम तो भाई जर्नलिस्ट हैं और हम कहीं ना कहीं अपने जर्नलिज्म को कंटिन्यू रखेंगे. अब कहीं ना कहीं इससे एक डिबेट रीस्टार्ट हुई है. क्या डिबेट है? डिबेट ये है कि क्या वाकई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अंडरमाइन कर रहे हैं डेमोक्रेसी को. तो यहां पर आपको समझना होगा कुछ चीजों को, कुछ फैक्ट्स को. नंबर वन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम हमेशा से कॉर्नरस्टोन बोलते हैं कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक एग्जांपल देखते हैं. देखो, आपको रिसेंटली पता होगा कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, मी टू मूवमेंट. अब इस मूवमेंट को इतना बड़ा बनाने के अंदर कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही तो हाथ था. दूसरी तरफ अगर आप देखें ब्लैक लाइफ मैटर, ये जो आपका पूरा लाइक प्रोग्राम, या आप ये कह सकते हो कि ये पूरा जो आपका हैशटैग चला था, ये भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से चला था? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से. एंड इवन फिलिस्तीन में जो अभी हो रहा है उसके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही तो मिल पा रही है. तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखो, आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आई है, उस स्कीम के बारे में अवेयरनेस जनरेशन के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो कैसे गवर्नमेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, आप जैसे देखेंगे कि वेरियस मिनिस्टर्स, वेरियस जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं, इवन जो नॉन मिनिस्टर्स भी हैं अभी जो अपोजिशन में है, वो गवर्नमेंट की वर्किंग को हाईलाइट करने के लिए कहीं ना कहीं इसी तरह के प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं. जैसे हैशटैग रन करने स्टार्ट कर देंगे, एंड लाइक आप ये मान के चलो कि कैसे गवर्नमेंट के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो और आपके साथ गवर्नमेंट इंटरेक्ट कर रही है. दैट इज व्हाट वी मीन टू से हियर इज कि इसके लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो, सोशल मीडिया में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई एक ओपिनियन बिल्डिंग में भी आपको हेल्प करता है. लाइक आप डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी पर्टिकुलर इश्यू को लेके बहुत चेंज होती है. तो यहां पर मैं कहूंगा कि अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वी आर सोशल 2024 रिपोर्ट. इसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड वाइड
अप्रोक्सीमेटली 4.9 बिलियन लोग आज की डेट में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी पो रिसर्च सेंटर के द्वारा 2023 में डिजिटल डेमोक्रेसी के ऊपर, एंड इसमें यह पता लगा था कि भाई देखो 55% ऑफ द यूजर्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी को। कैसे? विद हेट स्पीच, विद मिस इंफॉर्मेशन एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक मैनिपुलेशन करना चीजों को। अब आज की डेट में अगर आप देखें तो कई सारे जो हमारे लीडर्स हैं उनकी स्पीच को बदला जाता है। जैसे रिसेंट आपको जनरल इलेक्शन का पता होगा, तो उन जनरल इलेक्शन में अमित शाह की जो लाइक हमारे होम मिनिस्टर है उनकी एक वीडियो को डॉक्टर्ड किया गया था, चेंज किया गया था, और वो बहुत वाइडली सर्कुलेट हुई। तो वैसी चीजें आपको भी देखने को मिलती हैं। अब यहां पर कहा जाता है कि देखो पहली चीज तो यह है कि कुछ सर्वेस के अकॉर्डिंगली, सर्वे का नाम बता देता हूं, डिजिटल सिविक्स इंडेक्स रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंगली 72% आपको एंगेजमेंट देखने को मिलती है जो सिविक सोसाइटी है या सिविल सोसाइटी है उसकी विद गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए आपको कोई अवेयरनेस जनरेशन करना है, मैं मेरे ही एग्जाम्पल देता हूं, अगर मेरे सेक्टर में, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, हमारे यहां पर सेक्टर होते हैं, अगर मेरे एरिया में सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है तो उस केस में मैं अपने काउंसलर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड हूं और उनको एक इमेज शेयर कर देता हूं और नेक्स्ट डे ही वो एरिया साफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहां पर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक तरह का एक जरिया है जिससे आप ये समझ के चलिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग हैं उनके बीच में इंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा इनहांस और इंप्रूव हो रही है। सो दैट्स व्हाई मैं ये कहूंगा कि इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि इससे मैं भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं अपने राइट्स को एक्सेस कर पा रहा हूं। बट साथ के साथ अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब यूनेस्को की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मीडिया फ्रीडम, तो यहां पर 65% रिस्पॉन्डेंट ने यह कहा था कि सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है करप्शन को एक्सपोज करने के लिए एंड इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, किसकी? जो भी ऑफिशियल है उनकी। जैसे मैक्सिमम टाइम आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा लोग हिडन कैमरास को यूज करते हैं, अब जैसे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो रियल टाइम बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैं एक वाकया बताता हूं आपको, एक हॉस्पिटल था यूपी में, उस वहां पर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था, एक पर्सन ने वीडियो रिकॉर्ड की एंड बाद में वो इतनी वायरल हो गई वीडियो कि उस डॉक्टर को वहां से हटाया गया एंड उनको रिप्लेस किया गया एक अच्छे मतलब डॉक्टर के साथ। एंड कहीं ना कहीं ये सभी चीजें, नॉट जस्ट ये एक केस है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पा रहे हैं। फिर एक ग्लोबल कनेक्टिविटी देती है आपको। ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसे? देखिए ग्लोबल डिस्क्लोजर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, जो कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट 2024 में जिसने कंडक्ट की थी, 80% जो भी आपकी सोशल मीडिया सोशल मूवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उसका मोमेंटम जो स्टार्ट होता है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट होता है। अब इसमें वेरियस एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड सिटीजंस, ये सभी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। अब देखो, अब इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक एग्जांपल लीजिए, मीटू मूवमेंट। मीटू मूवमेंट स्टार्ट एक छोटे से इंसिडेंट से हुई थी बट बाद में जो इसने पूरे हॉलीवुड को हिलाया और बाद में बॉलीवुड को हिलाया, आपको यह समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस पूरी मूवमेंट के पीछे सोशल मीडिया का ही हाथ था, जहां पर वेरियस एक्टिविस्ट, सिटीजंस, जर्नलिस्ट, इन सब ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया एंड इस मुहिम को पूरी को बहुत एक अलग स्टेज पे ले गए। हैड इट बीन द केस सोशल मीडिया शायद यहां पर ना होता तो शायद मेनस्ट्रीम मीडिया में ये चीजें रिपोर्ट भी ना होती। अब यहां पर लास्ट में एक आ जाता है कि भाई आपकी एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंप्रूव करती है। अब देखो हम राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, वो एक पिलर है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मांगनी पड़ती है। बट यहां पर अगर आप देखें राउटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट की, तो इनके अकॉर्डिंगली 54% जो रिस्पॉन्डेंट है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं उनकी एक्सेसिबिलिटी, जैसे ट्रेडिशनल लाइक मीडिया चैनल्स आप नहीं देख पाते हो, वैसे तो मैं नहीं देखता हूं, मैं जनरली न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया को ही फॉलो करता हूं, बट एक चीज है कि जिनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो लाइक न्यूज चैनल्स को अपने टीवी में खोल के देख सके, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन का सोर्स बनता है ये, एंड इससे लोगों की अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते, एनहांस होती है।
तो ये तो कुछ हो गए कि क्या पॉजिटिव देखने को मिलते हैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, बट इसके नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है, जैसे मिस इंफॉर्मेशन को लेके। वेरियस टाइम इन इंडिया यू माइट हैव सीन कि किसी पर्सन की लिंचिंग हो गई है। अब लिंचिंग के पीछे आपको पता लगता है बाद में कि एक सोशल मीडिया एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा था जहां पर कोई बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई बच्चे उठाने वाला एक गैंग एक्टिवेटेड है, एंड जिसकी वजह से किसी पर्सन ने किसी को टारगेट करके लिंच कर दिया, मतलब किसी झुंड ने। तो द थिंग इज, इससे मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने के जो चांसेस है वो 6 times ग्रेटर है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एडमिन ट्रस्ट बैरोमीटर कहता है कि भाई 59% जो लोग आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवेटेड है वो कहीं ना कहीं मिस इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, एंड इनको लोगों को भी 59% लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहीं ना कहीं बायस है और कहीं ना कहीं अधूरी है। तो ये चीज यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि भाई मिस इंफॉर्मेशन को कैसे हम हैंडल करें, क्योंकि ये जंगल में आग की तरह फैलती है। जब तक गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी तब तक तो मिलियंस एंड मिलियंस लोगों तक ये पहुंच चुकी होगी, तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल रहता है। देन पोलराइजेशन के लिए भी ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो इंडिया जैसी कंट्री जहां पर मल्टी कल्चर एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी कंट्री में एक छोटी सी भी घटना कहीं ना कहीं पूरे एक वातावरण को आप ये कह सकते हो कि पोलराइज कर सकती है। एंड मैक्सिमम टाइम आप देखते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये अपने पीक पे होते पोलराइजेशन। तो यहां पर आप देखें तो स्टैनफोर्ड पोलराइजेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो 20% से इंक्रीज हो गई है, एंड खासकर इंडिया जैसी कंट्री अगर हम बात करें जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो यहां पर ऐसी सेंसेशनल जो न्यूज होती है कई बारी आप ये कह सकते हो कि बड़ा हार्म क्रिएट कर सकते हैं सोशल फ्रेगमेंट जो हमारा सोशल फाइबर है उसके अंदर, तो वो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। देन हेट स्पीच और हरासमेंट की बात करें, आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लड़कियों के अकाउंट्स होते हैं तो वहां पर कई बार उनको हरास किया जाता है, मैसेज किए जाते हैं, उनके फोटोज के नीचे कमेंट किए जाते हैं और बड़े अजीब अजीब से कमेंट किए जाते हैं, तो एक वो तो इशू है ही है। दूसरी चीज ये जो बॉडी शेमिंग ट्रोलिंग जैसी चीजें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, बहुत से लोगों को करती है। एंड लास्ट में जो हेट स्पीच है कि भाई आप किसी के बारे में कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द मैटर। आप कहीं ना कहीं उसी इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं जो लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। तो ऐसा कहा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि भाई 38% जो सोशल मीडिया यूजर है वो किसी ना किसी टाइप की हेट स्पीच को एक्सपीरियंस करते हैं। लास्ट में कई बार जैसे अगर आप बांग्लादेश का एग्जांपल लीजिए या आप एग्जांपल लीजिए फिलिस्तीन का, अब ऐसे सभी इश्यूज में आपको क्या देखने को मिलता है कि फॉरेन कंट्रीज, मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया को किसी ने डिस्टेबलाइज करना है तो व्हाट दे गोना डू इज वो जर्मनी में बैठ के कहीं ना कहीं अपने कुछ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड रिकॉर्ड करने के बाद इंडिया में भौकाल मचा देंगे। द थिंग इज इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी लेट्स पार्टिसिपेट इन दिस। द थिंग इज यहां पर फॉरेन इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन के लिए आप ये कह सकते हो कि भाई ये एज अ वेपन यूज किया जा सकता है। जैसे यूएस अगर डिस्टेबलाइज करना चाहता है किसी कंट्री को तो वहां पर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम को वो डिस्टेबलाइज कर सकता है, किसी भी कंट्री के इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकता है। दैट इज देयर। एंड यहां पर लास्ट चीज देखो, ट्रेडिशनल अगर हम मीडिया की बात करें, ट्रेडिशनल मीडिया जैसे आप न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं, तो इन सभी मीडिया के की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस है, उसको अंडरमाइन कर सकती है ये सोशल मीडिया। जैसे अगर आज की डेट में बात करें तो मोर ऑफन आप ये बात सुनने को आपको मिलती है कि भाई जो मीडिया है वो मैनेज्ड है, मैनेज्ड इन द सेंस कि ये जो मीडिया चैनल्स है कहीं ना कहीं एक तरफ की ही बातें करते हैं, दूसरी तरफ की बातें रखते ही नहीं। तो द थिंग इज यहां पर जो ट्रस्ट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लोगों का इरोड करने के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आप ये देखिए कि जो अनवेरिफाइड कंटेंट जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है वो कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म का जो ट्रस्ट था लोगों का वो उस ट्रस्ट को इरोड कर देता है। तो वो चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है।
तो ये सभी प्रॉब्लम्स हमें क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज सोशल मीडिया एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जंगल में लगी वो आग है जिसको कंट्रोल करना बाद में उसके बस की बात भी नहीं है जिसने इस आग को लगाया था। तो यहां पर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? अच्छा हाँ, लास्ट में एक कंसर्न हमारा रह गया, प्रिवेसी कंसर्न, स्पेसिफिकली एआई आने के बाद से जिस तरह से वीडियोस आपको एडिट होती हुई दिख रही हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक लड़की बिचारी बहुत बुरी तरह से ट्रोल की जा रही है। वो एक कॉन्सर्ट में पहुंची, वहां पर वो गाना सुनते सुनते गाते हुए रो रही थी और बाद में उस लड़की की एआई के थ्रू एक इमेज क्रिएट की गई जहां पर वो हस्ती खेलती हुई दिखाई गई है। द थिंग इज एआई इज फार मोर डेंजरस एंड ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर हम कूल बनने के लिए अपनी कोई भी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, दिस विल बिकम अ डेंजर टू आवर प्राइवेसी एंड पर्सनल लाइफ। तो दैट्स व्हाई यहां पर सोशल मीडिया को आप ये मान के चलो कि कई बार जैसे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो यूज करते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के एक्सेस के लिए एंड इससे कहीं ना कहीं आपको हार्म किया जा सकता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले आप कंटेंट मॉडरेशन के ऊपर फोकस करो, मतलब आप इन्वेस्ट करो कि लोकलाइज्ड मल्टीलिंगुअल आप कंटेंट को जनरेट करो जिससे ये जो रीजनल न्यूसेंस है उसको आप कहीं ना कहीं क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे। साथ के साथ आप गवर्नमेंट को कहो कि भाई गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे। एंड ट्रांसपेरेंसी किस तरह की? देखो दो तरह की, एक तो गवर्नमेंट की वर्किंग में और दूसरी ट्रांसपेरेंसी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि क्या एल्गोरिदम चलती है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जैसे अगर आपने, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं कि मैं यहां पर डिस्कस करने लगूं कि विच वन इज द बेस्ट ब्रांड फॉर लाइक शूज और मैं कंटिन्यूसली एक या दो मिनट तक उस पर बोलता रहूं तो मेरा फोन इस सारी बातों को सुन रहा है और वो मुझे जो सजेशंस देगा वो कहीं ना कहीं उसी शूज के रिगार्डिंग देगा जो उसे प्रमोट करने होंगे। तो यहां आपको समझना होगा कि ये सब एल्गोरिदम का है खेल। अगर हम एल्गोरिदम को जो हार्मफुल कंटेंट है उसको स्प्रेड करने के लिए रोक देंगे तो कहीं ना कहीं जो मिस इंफॉर्मेशन है या हेट स्पीच है उसको प्रमोट करने का यहां पर मौका नहीं मिल पाएगा। फिर मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के ऊपर हमें फोकस करना होगा जहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा मिस इंफॉर्मेशन को और बायसनेस को, जैसे फैक्ट चेक करके और उसके बाद चीजों को शेयर करें। दैट विल बी अ हेल्दी हैबिट कि भाई आप ऐसे ही कोई आपके पास व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड आया और आप वेरियस ग्रुप्स में उसे स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे यूजुअली जो एल्डरली पीपल हैं, जो एज्ड पीपल हैं, वो ऐसा करते भी हैं, तो वो चीज गलत है। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें यहां पर कोशिश ये रखनी होगी कि भाई हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करें उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने लाइक दिमाग का इस्तेमाल करें, उसमें कोई बायसनेस है, मिस इंफॉर्मेशन है तो उसे शेयर करने से हमें रोकना चाहिए। फिर हमें यहां पर एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा, जैसे रिसेंटली आपको पता होगा गूगल के गूगल क्रोम को कहीं ना कहीं यूएस के एक कोर्ट ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा कि भाई आपको बेचना पड़ेगा गूगल को, गूगल क्रोम को। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनीज की अगर मोनोपोली होती, कंपनी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो दैट कैन अंडरमाइन एनी गवर्नमेंट। तो हमें यहां पर ये जो आज की डेट में मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस देखने को मिल रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दो चार ही जायंट्स हैं, जैसे मेटा हो गया और एक्स हो गया, इन्हीं के पास सब कुछ है सोशल मीडिया में, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप मेटा के पास है, एक्स की अगर बात की जाए तो ट्विटर इसके पास है, एक टेलीग्राम और ऐड कर सकते हो, बट हमें यहां पर डिसेंट्रलाइज करने होंगे इन प्लेटफॉर्म्स को। एक कंपनी को अगर बहुत ज्यादा पावर दोगे तो वो इंसान अपने अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस कर सकता है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर एथिकल यूज को प्रमोट करना होगा, मतलब हेट स्पीच को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू इनकलकेट वैल्यूज इनटू द सिटीजन। अगर आप उस चीज को इंश्योर कर पाओगे तभी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। देन ये एक देश नहीं संभाल सकता चीजों को, आपको यहां पर फोकस करना होगा कि ग्लोबल जो पार्टनरशिप है उसको आप प्रमोट करो। दिस इज नॉट अ केस जहां पर सिर्फ एक ही कंट्री के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये दो धारी तलवार है। अगर आज हमारे साथ अगर कुछ हो रहा है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है, लाइक जो बांग्लादेश में हुआ वो कल को नेपाल में भी हो सकता है, भूटान में भी हो सकता है, म्यांमार में भी हो सकता है, एनीवेयर इज पॉसिबल। तो यहां पर इस आर्टिकल में हमें लास्ट में कहा जाता है कि एक ग्लोबल अलायंस के ऊपर हमें फोकस करना होगा जो यूनाइट होके कोलैबोरेट करके कहीं ना कहीं इस जो
जो सोशल मीडिया है इसके मिलिंस को थोड़ा रिड्यूस करने में हेल्प करें। तो ये पूरा आर्टिकल था आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। अब देखो, अभी रिसेंटली रियो डी जनेरियो में ब्राजील के अंदर G20 की एक मीट हुई। अब इस मीट के अंदर हमने ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को स्टार्ट किया। अब इस इनिशिएटिव का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हम जो हंगर और पॉवर्टी की प्रॉब्लम है उसको खत्म करें थ्रू अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन ऑल द कंट्रीज, G20 कंट्रीज में सभी का यहां पर साथ हो, एंड यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करेगी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, सबसे पहले आप इसे समझें। ऑब्जेक्टिव है कि हमें हंगर को खत्म करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है। अब ये बाय 2030 वी हैव टू अचीव अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसी टारगेट को वापस से आप ये कह सकते हो कि रीअफर्म किया गया है यहां पर ग्लोबल लीडर्स के द्वारा। देन हम प्रमोट करेंगे ग्लोबल कोलैबोरेशन। देखो, अगर आज की डेट में बात करें तो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन सभी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूक्रेन क्राइसिस को देखिए। यूक्रेन एक तरह से फूड बाउल कहा जाता है क्योंकि वहां पर ग्रासलैंड्स हैं जहां पर बहुत लार्ज अमाउंट में वीट को ग्रो किया जाता है, एंड या आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सीरियल्स को ग्रो किया जाता है। तो यहां पर आप ये समझे कि अगर यूक्रेन में क्राइसिस आए, इसका इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिला? इंपैक्ट ये देखने को मिला कि अफ्रीका के देशों में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई। दूसरी चीज, आप अगर COVID-19 को देखते हैं, COVID-19 की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड हुई, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई पोस्ट कोविड। तो यहां पर आप ये समझें कि अगर आपको एक्चुअल में हंगर और पॉवर्टी को खत्म करना है तो इसमें आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी और हर देश को दूसरे देश की मदद करनी पड़ेगी, बिकॉज इकोनॉमीज क्या है, इंटररिलेटेड। तो यहां पर आपके नेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और इवन जो सिविल सोसाइटी है उनको भी यहां पर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक साथ आना होगा। एक चीज यहां पर यह कहा जाता है कि भाई ज्यादातर केसेस में ना हम डाटा ओरिएंटेड नहीं है। डाटा ओरिएंटेड इन द सेंस कि हम बहुत ज्यादा रिसर्च कंडक्ट नहीं करते कि कितने लोगों के ऊपर हंगर पॉवर्टी का इंपैक्ट पड़ रहा है। हम एक मोटा मोटी सर्वे कंडक्ट करते हैं जिसमें एक सैंपल साइज लेते हैं, उसके बेसिस पे चीजों को कहीं ना कहीं जज करते हैं। तो यहां कहा जाता है कि भाई एक एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर आपको फोकस करना होगा कि जो पॉलिसी आप ये देख रहे हैं कि भाई किसी एक कंट्री में अप्लाई करके अच्छे रिजल्ट्स मिले, अब उसी पॉलिसी को आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज करके कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के अंदर ये जो पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। मैच मेकिंग रोल यहां पर कहा जाता है कि भाई हम जो जैसे कंट्रीज हैं जो आपस में कंफर्टेबल हैं उनको आपस में कनेक्ट करवाएंगे, एंड कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है या ग्रांट्स है उनका फ्लो को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हंगर और पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो कम हो सके। अब यहां पर इसके फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या रहा? रीजन एज आई टोल्ड यू, COVID-19 के बाद से जो पॉवर्टी के केसेस थे, हंगर के केसेस थे, वो बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स बहुत तेजी से डिपिक्ट हुए, एंड यही रीजन है कि इसमें आज की डेट में हम वर्क कर रहे हैं कोलैबोरेटिवली ये अलायंस बना के। अब पोस्ट कोविड भी अगर हम देखें तो ये जो 2030 में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक्चुअल में जो हमारा पेस है वो बहुत स्लो है। मतलब यहां पर अगर आज की बात की जाए तो 600 मिलियन लोग आज भी इंटायर वर्ल्ड में आप ये कह सकते हो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। मतलब ये $2.5 भी नहीं कमा रहे एक दिन के, एंड इसके साथ साथ 500 मिलियन प्लस लोग आज भी हंगर को फेस कर रहे हैं, जहां पर ये लेवल आज भी सिमिलर है 2015 के लेवल पे। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका स्टार्ट हुआ था तब से अब तक बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। तो इसके पीछे मल्टीपल चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, एंड इनइक्वालिटी जो आज की डेट में बहुत ज्यादा लाइक पोस्ट कोविड इंक्रीज हुई है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड एक पर्टिकुलर एरिया की वर्नेबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक कंट्री के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के अंदर हंगर एंड पॉवर्टी के इंस्टांसेस इंक्रीज होंगे। देन यहां पर इनइक्वालिटी बढ़ने के पीछे क्या रीजन है? कहते हैं इनइक्वालिटी बढ़ने के पीछे मेजर रीजन है
सोशल रेशियल एंड जेंडर इनइक्वालिटी का और ज्यादा डीप होना। मतलब चाहे आप कुछ भी कहें, हमने कितनी ही प्रोग्रेस की हो, बट आज की डेट में भी वुमेन्स को इक्वल पे नहीं मिल पाती है। अगर यूएस की बात करें, यूएस वन ऑफ दी आप ये कह सकते हो ऐसी कंट्री है जहां पर हर तरह से इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, बट वहां पर भी ब्लैक्स के साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, एशियंस के साथ जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो दैट्स व्हाई यहां पर ये कहा जाता है कि भाई ये पॉवर्टी और हंगर के पीछे जो मेन रीजन है, वन ऑफ द रीजन इज इनइक्वालिटी। अब ये जो आपकी अलायंस है इसमें 81 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया मेंबर्स है, 26 ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है एंड 9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ओवर 31 आपके फिलैंथ्रोपी फाउंडेशंस एंड एनजीओस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनका 6 मेजर एजेंडा है जिसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं कि जैसे मिड डे मील स्कीम होती है हमारे यहां पे, तो ऐसे स्कूल मील को यहां पर फोकस किया गया। कैश ट्रांसफर कि भाई जहां पर आप फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे तो वहां पर कैश दे दीजिए, लोग अपने आप से फूड खरीद लेंगे। एंड यहां पर फैमिली फार्मिंग या स्मॉल लैंड होल्डर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा सो दैट उनकी जो क्लाइमेट चेंज का उनके ऊपर इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस किया जाए और वो पॉवर्टी से बाहर आ सके। देन सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम के ऊपर हमारा फोकस होगा, यानी सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा मेजर एजेंडा रहेगा। एंड वाटर एक्सेसिबिलिटी कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर पाएंगे, तो जो वाटर है वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट है क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती, तो वी वांट टू फोकस की वाटर की एक्सेसिबिलिटी को हम इंप्रूव कर सकें। तो यहां पर एक लास्ट में इंटीग्रेटेड मटरनल एंड अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन के ऊपर भी फोकस है कि अर्ली चाइल्डहुड में अगर हमने स्ट्रांग फाउंडेशन रख दी कि भी अच्छा न्यूट्रिएंट खाना मिला और लाइक न्यूट्रिशन वैल्यू को हमने इंश्योर कर दिया, तो इससे कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि भाई जो आपकी कंट्रीज है जैसे फॉर एग्जांपल यूएस है या आपकी यूके है, अब ये कुछ हद तक कहते हैं कि फंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे इन्हीं कंट्रीज की मेजर डोमिनेंस देखने को मिलती है आपको वर्ल्ड बैंक में, यूनिसेफ जैसी एजेंसीज में एंड फाओ में, तो कहते हैं कि यहां पर कोई सेग्रीगेटेड एक्सक्लूसिव फंड नहीं स्टार्ट किया गया, ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पार्ट। बाकी इसके अलावा आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ये सीरियस इंटरनेशनल क्राइम को डील करता है। रोम स्टैट्यूट के अंडर इसे फॉर्म किया गया था 2002 में एंड 123 कंट्री आपकी इसमें पार्टिसिपेट करती है, मतलब इसके मेंबर है। यूएस, चाइना, इंडिया, इनमें से कोई भी देश इसका मेंबर नहीं है। हाँ, हाल फिलहाल में अगर बात कीजिए काफी न्यूज में रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ये जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ अग्रेशन, इन सभी केसेस को ये हैंडल करता है। अब जैसे रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके अगेंस्ट इन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी थी इन केस ऑफ क्राइम ऑफ अग्रेशन के केस में। अब इसमें क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कहीं ना कहीं आज के डेट में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, इसमें ये हेल्प करता है। जब हम बात करते हैं कि किसी भी मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, जैसे साउथ अफ्रीका ने इस पूरे मैटर को इनिशिएट किया था अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और उसके बाद यहां पर आपको यह देखने को मिला कि इस चीज को बाद में स्पेन ने ज्वाइन किया, कई यूरोपियन कंट्रीज ने ज्वाइन किया, तो वो चीज आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन या कोऑपरेशन यहीं से निकलता हुआ दिखता है। देन यहां पर अगर बात की जाए तो जैसे बहुत ज्यादा कोई ग्रेव क्राइम कमिट किया गया तो उसमें अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है एंड लीगल प्रेसिडेंट को ये सेट करता है। अब इंडिया ने क्यों इस आईसीसी को ज्वाइन नहीं किया, अब इसके पीछे हमारा रीजन था कि भाई ये सॉवरेंटी जो है हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर डीपली इंपैक्ट करता है। अब कैसे, एक बाहर का कोर्ट, थर्ड वर्ल्ड का कोर्ट, यानी हमारे लिए तो वो थर्ड वर्ल्ड है वैसे तो, लाइक आपको पता होगा कि वेस्टर्न डोमिनेंस यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है हमारी पॉलिटी को, सॉवरेनिटी को, तो इस चीज से हमारे को कंसर्न है। मतलब देखो, हम ये कहते हैं कि भाई देखो इसका मिसयूज हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे किसी लाइक लीडर या किसी भी लाइक
पर्सन के अगेंस्ट इस तरह की कोई वर्डिक्ट देता है, आउटर कोर्ट, बाहर का कोर्ट कोई, तो आउटसाइडर, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है इंडिया की सॉवरन इश्यूज को, तो इस वजह से हम इसके पार्ट नहीं बने। फिर कहते कि भाई हमारे पास हमारे बहुत से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोगों के राइट्स को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वी डू नॉट नीड सम आउटसाइडर टू टेल अस कि भाई आप क्या गलत कर रहे हैं। लास्ट में कहते कि जो इन्होंने क्राइम की डेफिनेशन दी है ना, हम उस डेफिनेशन से भी एग्री नहीं करते, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ज्यादा रहता है। तो कहते सबसे बड़ा तो इशू इसमें यही रहता है कि ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है एज कंपेयर टू लीगल मैरिट ऑफ द केस, जिसकी वजह से हम भी इसको खारिज करते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि ये प्रोसिक्यूट कर सकता है उन्हीं लोगों को जो मेंबर स्टेट से, उसके बाहर अगर कोई है तो इसको फर्क नहीं पड़ता, तो लिमिटेड रीच है। एंड जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, अगर देश कॉपरेट करेगा तो आप अरेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज अरेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ट्रायल्स बहुत लेंदी होते, कन्विक्शन रेट बहुत स्लो है, लो है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। अब आज का आखिरी आर्टिकल टॉक्स अबाउट रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अब न्यूज में क्या है और क्यों है? देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली यहां पर एक इंसान के ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया। अब इसके रिटेलिएशन में विलेजर्स ने उस टाइगर को मार दिया। अब ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट है, बट प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए जो राजस्थान में लोकेटेड है। अब यहां पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट और सेमी एरिड रीजंस देखने को मिलते हैं, बिकॉज आपको पता है राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश होती नहीं है, तो इस वजह से इस तरह का आप कह सकते हो कि एक ग्रासलैंड टाइप आपको देखने को मिलता है, बट डोमिनेट करता है आपके डेसिडियस फॉरेस्ट यहां पे। अब यहां आपको बायोडाइवर्सिटी में बंगाल टाइगर, लियोपोर्ड, नीलगाय, स्लॉथ बियर, हाइनाज एंड बहुत सारे बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलते हैं। प्रीडोमिनेंटली यहां पर एक ट्री है ढोक जो डोमिनेट करता है इस एरिया में, एंड इसे टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे तो 1957 में डिक्लेयर की गई थी। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, तो देखिए वैसे तो यहां पर पूरा आपको एरिया ये डिपेक्ट करके बता रहा हूं कि ये आपका रणथंभौर है, इसके साथ में ज्वार सागर सेंचुरी ये पड़ती है, तो ये दोनों ही एरिया आपको याद रखने। अब ये जयपुर है, ये कोटा है, और ये बीच में ये आपका इसकी लोकेशन है, तो दैट इज देयर। अब ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था इसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन इसमें ये है कि जो टेरिटोरियल प्रेशर है कि भाई जो कैरिंग कैपेसिटी है इस एरिया की वो 75 टाइगर्स की नहीं है। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ टाइगर्स है यहां पर इसकी कैरिंग कैपेसिटी से, इस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंटली आपको ये चीज देखने को मिलती है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी चीज, हमने कहीं ना कहीं इंक्रोच किया है इनके हैबिटेट के ऊपर, चाहे अगर आप देखें एग्रीकल्चर फील्ड यहां पर बात करें या ग्रेजिंग लैंड की बात करें, ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें, तो वो बफर जोन में एस्टैब्लिश किए गए, जिसकी वजह से आपको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होते हुए दिखते हैं। अगर तीसरी प्रॉब्लम की बात करें क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड बाकी सब चीजों की वजह से जो प्रे है यानी शिकार की जो नंबर्स है वो डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि देखो डियर और वाइल्ड बोर यहां पर नहीं है, तो कैटल की हंटिंग के लिए शेर जो है जंगल से बाहर निकला, एंड उस केस में यहां पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। तो लाइफ स्टॉक का जो लॉस है वो तो इंक्रीज होता ही होता है, प्लस ह्यूमन लाइफ को भी यहां पर डेंजर रहता है। अभी आज की डेट में जैसे बफर जोन की बात की जाए तो इसमें विलेजर्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, एंड प्रीडोमिनेंटली अगर बात की जाए तो ये एग्रीकल्चर और जो कैटल जो आप ग्रेजिंग करवा रहे हो इस एरिया में, ये वन ऑफ द रीजन बनता है जिसकी वजह से इस तरह के अटैक्स आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है इनके आसपास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है बहुत ज्यादा, और फेंसिंग भी बहुत वेग तरीके से की गई है। तो प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाती है कि इससे कहीं ना कहीं वो जो टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे हो आप वो वीक पड़ जाते हैं, बिकॉज जो टाइगर है वो अपने प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आएगा, ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ आएगा, तो इससे टाइगर्स और ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा, और यहां पर कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, उस टाइगर के कंजर्वेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमें इंश्योर करना होगा कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर कर सके। अब सॉल्यूशन में मैं यही कहूंगा कि
हैबिटेट मैनेजमेंट के ऊपर आपको फोकस करना होगा, कैसे उसे आप इंप्रूव कर सके। जो विलेजर्स वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं उनको रिलोकेट करो, कुछ भी करो। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के आप ऊपर फोकस करो कि भाई जो भी विलेजेस आपके जो जंगल के आसपास है आप एटलीस्ट उनके आगे आसपास बाउंड्री वॉल कहीं ना कहीं बनाना स्टार्ट करो। फिर लाइवलीहुड अल्टरनेटिव्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पर इको टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, ऐसी चीजों को आप फोकस कर सकते हैं, बट आप फॉरेस्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करो। देन कम्युनिटी इंगेजमेंट, जहां पर विलेज टाइगर कंजर्वेशन कमेटी को आप फॉर्म कीजिए, उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और लोकल्स आपस में बैठ के कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करें। एंड लास्ट में अगर इनकेस आपको जरूरत पड़े तो आपको यहां पर कंपनसेशन और सपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू रिलोकेट कराने की जरूरत है पॉपुलेशन को जो कि बफर जोन में लोकेटेड है, जो नियर बाय किसी भी टाइगर एरिया के लोकेटेड है। यहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए जो लाइक इन एरियाज की, सो दैट अगर कहीं पर भी अगर आपको ये देखने को मिल रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रही है या प्रे का साइज कम हो रहा है, तो टाइमली एक्शन लिया जा सके और जिससे हम ह्यूमन लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए हो। आई नो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, बट स्टिल सभी आर्टिकल्स को मैंने प्रिसाइसली आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। धन्यवाद।